Thank you, sir. Big clap. I will also request our honorable members to come to the company of the student. Look.
Today, we have participated in Unity Run to honor Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel, the first Deputy Prime Minister of Independent India. The sacrifice and the contributions that Sardar has made just out of independence, many riyasat, they have their own agenda not to be a part of independent India. But it was the Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, who have, with his firm determination, unite all the riyasats. उस समय सारी जो रियासतें थी वो अलग अलग होना चाहती थी. उसमें कुछ आपके जैसे गुजरात का था या आपका हैदराबाद रियासत थी. लेकिन ये अद्भुत दूरदृष्टिता सरदार वल्लभ भाई जी की थी जिसके कारण भारत एक हो पाया. आप आज के डेट में ये सोच के देखिए, यदि भारत अलग अलग जगहों में टुकड़ों में बटा होता तो हमारी क्या स्थिति होती. हम जब विविधता में एकता की बात करते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है, जिन्हें हमें याद करना चाहिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है. उनका ही सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत एक हो और सर्वश्रेष्ठ हो. इसके लिए अब हमें भी, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी हैं, इसीलिए हमें भी उनके बताए कदमों पर, पदचिन्हों पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसको साकार करना है. उम्मीद है आप सब इस कार्य को बखूबी करेंगे और सपनों के एक भारत श्रेष्ठ भारत को धरातल पर लाएंगे. जय हिंद, जय भारत. सुप्रभात बच्चों. यार देखो, क्लासों से भी आवाज आ रही है. हमारे साथी दोनों सहायक आयुक्त और केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी संभाग के हमारे सभी साथीगण, केंद्रीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खानापारा के शिक्षक वृंद और प्यारे बच्चों, आज हम क्यों एकत्रित हैं यहाँ पे, क्यों आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? एनीवन तो बताओगे, जवाब दे दे, क्यों आए हैं बताओ लाउडली. यूनिटी रन, वेरी गुड. आज के दिन को ही क्यों यूनिटी रन के रूप में चुना जाता है, क्या है आज? एक साथ आवाज आनी चाहिए सभी की. क्या है आज? क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है. कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? आवाज नहीं है. आयरन मैन ऑफ इंडिया, वेरी गुड. क्यों कहते हैं उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? पढ़ा हो ना, जब किसी को कुछ कहते हैं, आपके स्कूल के नाम के आगे लगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, इसका कोई मतलब है ना, कि इसका मतलब पीएम श्री जो स्कीम है, अब उसका मीनिंग देखना. PMSHRI, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है. PM यानी प्राइम मिनिस्टर और SHRI, श्री का क्या मतलब है? यस, वेरी गुड. कौन है जरा एक बार आओ, बाहर आओ, कम ऑन, आई है, एक बार सभी को बताइए. मैडम नमस्कार,
प्रधानमंत्री स्कूल हाउसिंग इंडिया। उस स्कीम के अंतर्गत आपका स्कूल आता है, इसलिए आपके स्कूल के आगे जुड़ा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खानापारा। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर नाम दिया गया आयरन मैन, तो कोई तो कारण होगा। आज जरूर जाके पढ़िएगा और अपने टीचर को पूछिएगा कि उनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है। दूसरा, आज के दिन को हम आप देखिए, आपका जो हम एक बैनर लेके चल रहे हैं, उस बैनर पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लिखा है ना, और फिर उसके आगे फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन। यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम लोग अभी तक यूनिटी रन के रूप में सेलिब्रेट करते थे, अब इसको थोड़ा सा इस बार चेंज किया गया है, फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन। फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन, यानी आइए हम सब यूनाइटेड हो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अब स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, कुछ तो बताइए क्या क्या करना है, स्वस्थ कैसे रहेंगे। आइए आगे आइए, बोलो बोलो आगे आइए। यस, किसमें बोलिए, एक्सरसाइज करनी है, और क्या करना है, सर हेल्दी खाना खाना। यस, माइक वगैरह एक बार खाना दे दो बच्चे को पकड़ा। So we should eat healthy. स्वस्थ रहने के लिए एक तो एक्सरसाइज करना है और दूसरा हेल्दी खाना खाना है, और खाना टाइम से खाना है। कुछ बच्चे सुबह खाली पेट आ जाते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती है, और अगर हेल्दी फूड्स में क्या क्या आता है, कुछ आइटम्स आप गिना सकते हो। आइए कोई एक बच्चा, आइए आइए दोनों आ जाइए, दौड़ के हो, यूनिटी रन किया है तो बताना है सभी को। सर ग्रीन वेजिटेबल्स, या उधर सभी को बताइए, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेरी गुड, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स और भी कई सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या नहीं खाना चाहिए, आइए।